मंडी जिला के जोगिंद्र नगर उपमंडल में 35 साल की विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। ये मामला पुलिस थाना जोगिंद्र नगर में दर्ज हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा। संदिग्ध मौत पर पुलिस ने जांच बिठाई है। परिजनों के बयान दर्ज कर कानूनी कार्रवाई तेज की गई है। मृतका की पहचान सपना निवासी कोलंग पंचायत के रूप में हुई है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को खेतों में काम पूरा कर अपने घर में मौजूद थी, लेकिन अचानक बेहोश होने पर सिविल अस्पताल जोगिंद्र नगर में उपचार के लिए परिजन ले आए, जहां मौत की पुष्टि चिकित्सकों ने कर डाली। इस मामले में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जांच अधिकारी एएसआई पवन बताते हैं कि मृतका के 3 बच्चे हैं। पुलिस थाना के प्रभारी प्रीतम जरियाल ने कहा कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू कर जांच कर रही है। वहीं इस मामले में परिजनों ने भी किसी के खिलाफ साजिश का आरोप नहीं लगाया है। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। खेत बाने के लिए गए थे हम। हाँ जी। वहाँ से मतलब एक दो खेत दबाए और आ गई ये घर में। जी। और घर में आके अकेले तो रहती है। नया मकान बनाई रहा, देखो ठीक है। वहाँ गायों को पानी पिलाया इसने। जी जी जी। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं, मैं देता अभी तक बैल जोड़े हुए थे, कहने मेरे को पता चला बड़ी ऐसे बेहोश पड़ी हुई है। जी। बस इतना हम दौड़ के आ गए घर में। जी। तो यहाँ के आपको क्या पता चला भैया? आपको क्या बताया हॉस्पिटल वालों ने? हॉस्पिटल ने मारे ने क्या बताया, बनाई ने कागजात कहने जा रही। अच्छा, ठीक है ठीक है, ये बताया उन्होंने।